हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का ये स्पेशल क्लास है, आज हमारी रेगुलर क्लास आज और कल दो दिन नहीं हो पाएगी जो हम चला रहे थे उसमें, बट स्पेशल क्लास जो आज है इसमें मुख्य परीक्षा के लिए जो आंसर राइटिंग है टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप समझ पाएंगे। पिछली बार भी आपको कई सारे ऐसे वीडियो मिले थे। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो 2019 की मुख्य परीक्षा को लेकर के ये चल रही है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 21 है और इसका जो फीस है वो 2,500 रुपये। प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल रहता है कि इसमें हम आपको क्वेश्चन पेपर जो है उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपनी कॉपी में, जैसे ये जो आंसर लिखे इन्होंने अपनी खुद की कॉपी में लिखा और उसके बाद उसे पीडीएफ कन्वर्ट करके ये हमें सेंड कर देते हैं, देन हम इसको वैल्यू करके और उन्हें वापस भेज दें। तो ये सिंपल प्रोसीजर रहता है। आज ये जो पेपर है, ये पूरा पेपर जो वन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर, यानी ये 3 घंटे में करना होता है, तो उसी को देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है कि इनका सामवेद के बारे में लिखना है आपको, 3 नंबर का है। तो चेक करते हैं कि क्या इन्होंने लिखा है, क्या कमी है, कौन सी अच्छे पॉइंट हैं। राइटिंग एक जो यहाँ पर देखने को मिलता है कि राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो पहली कमी तो ये समझ में आती है कि राइटिंग उतना अच्छा नहीं, मगर राइटिंग उतना अच्छा इतना हो जाए कि रीडेबल है तो काम चल जाता है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि इस वेद में संगीत के 7 स्वरों का वर्णन, पाठक को उद्गाता कहा जाता है, ऋग्वेद पर आधारित सिर्फ 75 नए श्लोक। तो 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखने होते हैं, कोशिश इन्होंने 3 पॉइंट लिखने की है और 3 पॉइंट मेजर पॉइंट रहे तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है इसको पाठक या इसका पुरोहित उसे उद्गाता कहते हैं, ये भी ठीक है और ये इन्फॉर्मेशन भी सटीक है। तो ऐसी स्थिति में इनको 3 नंबर देना चाहिए। पीएससी का वैल्यूअर क्या करेगा, यहाँ 2 नंबर देगा, 1 नंबर वो कम कर देगा, किसी भी बहाने से कम कर देगा कि राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, बट मैं शुरुआती क्वेश्चन में 3 में से 3 नंबर, इससे मॉरल बना रहेगा, तो काफ़ी अच्छे फैक्ट। दूसरा क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया शिमला सम्मेलन के बारे में, तो इसमें इन्होंने लिखा है शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजन किया गया, ईयर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद मुस्लिम लीग की दृढ़ धर्मिता या इसको हठ धर्मिता कहना चाहिए, तो थोड़ा सा राइटिंग का इशू, हठ धर्मिता नीति, हिंदी है तो हिंदी की मात्राओं की गलतियां नहीं होना चाहिए, के कारण असफल हो गया। तो ये जो शिमला सम्मेलन था 1945 में हुआ था, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए किया गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद मुस्लिम लीग से इसमें जिन्ना थे, तो जिन्ना की जो मांग थी वहां पर ये समस्याएं बढ़ी थी। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, अब क्या नंबर देना चाहिए, तो यहाँ पर 1 नंबर, बहुत ज्यादा विशेष कृपा करेगा तो 2 नंबर, 2 से ज्यादा नहीं होगा, बट मैं यहाँ पहले ज्यादा दिया इसलिए 1 नंबर दे करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सीता अध्यक्ष के बारे में, सीता अध्यक्ष क्या होता है, तो सीता अध्यक्ष देखें क्या लिखा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 26 अध्यक्षों में, या ये क्या है 26 अध्याय में इसका वर्णन, कहना ये चाह रहे हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, राजकीय भूमि से राजस्व एकत्रित करने वाला वाले को अध्यक्ष कहा जाता था, मौर्य काल से संबंधित था। अब ऐसे जो पॉइंट आते हैं ना, ऐसे पॉइंट क्या होता है कि वैल्यूअर के पास एक मॉडल आंसर रहता है, मगर ऐसा नहीं होता कि उसमें सारी एबीसीडी सब कुछ जोड़ दिया जाए। तो जब ऐसा पॉइंट आप लिखते हैं तो एक बार ऐसा लगता है कि ये काफी ठीक होगा, तो उस ठीक होने का बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मिल जाता है, राइट। तो यहां पर 2 नंबर बड़ी आसानी से दिए जा सकते हैं। तो सीता जो थी उसे जमीन भूमि और उसकी जो राजस्व कृषि की जाती थी उसके भूमि के संरक्षक को, उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। सो 2 नंबर
दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें पिट्रा ड्यूरा के बारे में। ये पिट्रा ड्यूरा क्या है? तो इन्होंने लिखा है कि इस वास्तु शैली का विकास शाहजहां के काल में हुआ। इसमें हीरे मोती जड़ाऊ रत्नों का प्रयोग किया जाता था। तख्ते ताउस का निर्माण इसी शैली में किया गया। इसको देखो, अगर इसका विकास स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर है, शाहजहां का समय स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो ये एक पॉइंट वैलिड है। लेकिन इसका सबसे पहले अगर प्रयोग किया है पिट्रा ड्यूरा का, तो वो किया था नूरजहां ने। नूरजहां ने अपने पिता जो एतमाद उद्दौला था उसका मकबरा बनवाया था। वो फैक्ट मस्ट है। वो फैक्ट अगर नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूअर अपनी नाक सिकोड़ सकता है, चश्मा ऊपर नीचे कर सकता है, राइट? ये सही है कि यहाँ संगमरमर की इमारत पर यहाँ पर हीरे मोती और इन सब की जड़ावट करते थे, नक्काशी की जाती थी, और ये भी उसी पर आधारित है, इसमें भी कोई गलती नहीं। तो मगर ये पॉइंट और मिल जाता तो पूरे 3 नंबर हो जाते, बट इस कंडीशन में 2 नंबर। ओके, अगला इसमें पूछा गया है प्रश्न, देखें क्या है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो इसमें अंतर क्या होता है आप लोग भी बता सकते हैं, बट आप लोगों के जो कमेंट है, कमेंट ओनली फॉर मेंबर्स अभी सेटिंग में हो गया है। तो जो मेंबर होते हैं इस चैनल के, ज्वाइन का जो ऑप्शन आता है, वही लोग कमेंट कर पाएंगे इस समय। एनीवे, फायदा तो सभी को मिलता ही है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की बात करें, इन्होंने लिखा है इसमें अप्रत्यक्ष शासन होता है, इसमें प्रत्यक्ष शासन होता है। इसका उद्देश्य संसाधन प्राप्त करना है, इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद। ये दोनों ही अंतर बहुत सही लिखे हुए, यानी सटीक अंतर है। अब शब्द सीमा को ध्यान में रख के 3 पॉइंट होना चाहिए, मगर ये 2 पॉइंट लिखे हैं, तो इनको इस आधार पर क्या किया जा सकता है, 2 नंबर तो दिए जा सकते हैं, 1 नंबर कम कर सकते हैं। कि इसमें उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जैसे हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कि आर्थिक हितों का ध्यान रखते, थोड़ा शब्द चयन ऐसे करो कि जिससे पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। इसमें आर्थिक हित भी सम्मिलित होते हैं, यानी संसाधन प्राप्त करना, तो कौन से संसाधन? आर्थिक संसाधन। और इसमें ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है, साम्राज्य यानी अपनी ओन आइडेंटिटी को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, 2 नंबर बड़ी इजी से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद पूछा जा रहा है संस्कार किसे कहते हैं, और ये डायरेक्टरी जो था वो इन्होंने किया नहीं है, डायरेक्टरी छोड़ दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित है। व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक शुद्धि हेतु, अब ये जो लिखा है इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, जेम्स प्रिंसेप की तरह सोचना पड़ेगा कि ये इन्होंने 16 लिखा होगा ना, तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें, है ना। 16 संस्कार होते हैं प्रमुख, जैसे गर्भाधान, उपनयन, विवाह, अंतिम संस्कार। तो उसको व्यवस्थित रूप से इसको अगर लिखा जाए तो कैसे, तो आप लिखें कि वैदिक संस्कृति का एक अनिवार्य अंग, व्यक्ति के जन्म के पूर्व से, जन्म से ही नहीं, जन्म के पूर्व से स्टार्ट हो जाता है और अंतिम संस्कार वहां पर। ठीक, साथ में आप जोड़ सकते हो कि वर्तमान में इनके अनुपालन में, इनके क्रियान्वयन में काफी कमी आई हुई है, तब जाकर के नंबर मिलते हैं। तो जन्म से नहीं है, जन्म के पहले से स्टार्ट हो जाता है, 16 लिखा है कि 10 लिखा है या ऐसे ही, इसलिए एक पनिशमेंट भी बनता है, गलतियां होने पर सजा मिलती है। और जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक कठोर सजा के प्रावधान आयोग ने कर रखे हैं। अगर सही आंसर नहीं है, उसका आंसर समझने में परेशानी आती है, तो बिल्कुल नंबर काटे जा सकते हैं, मतलब देते ही नहीं है काटने में, ऐसा तो क्या क्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रतीत्य समुत्पाद, देखें क्या लिखा है इन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है, इसके अंतर्गत समस्त दुखों का कारण जन्म व जन्म अज्ञान के कारण होता है। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, करेक्ट। इसके अनुसार जीवन अनित्य अनात्म है, जीवन में जो प्रत्येक कारण यानी कथन कारण का संबंध आता है, तो वो थोड़ा अस्पष्टता है, 1 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है पुत्तु पात्तु, तो इसका आंसर इन्होंने नहीं लिखा है,
इसमें इन्होंने के वाले क्वेश्चन का आंसर किया है, जिसमें टंट्या भील के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं टंट्या भील के बारे में क्या लिखते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों को स्वतंत्रता हेतु प्रेरित किया, यह स्वतंत्रता सेनानी व आदिवासियों को स्वतंत्रता हेतु प्रेरित किया। 1931 में सिवनी में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। देखो यही बातों को आप और अच्छा लिख करके पूरे 3 नंबर ले सकते हो, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने मध्य प्रदेश में स्वतंत्र अंग्रेजों के खिलाफ थे, आदिवासी थे, आदिवासियों का नेतृत्व भी किया था, है ना। तो 1800 गुरिल्ला युद्ध पद्धति, इन्हें रॉबिन हुड कहते थे। तो ये सब पॉइंट जोड़ जाड़ के नंबर लिए जा सकते हैं, बट स्वतंत्रता का मैटर है, स्वतंत्रता सेनानियों के 2 नंबर दिए जा सकते हैं। अगला आता है अद्वैतवाद, मोनोथिज्म। तो इसके प्रतिपादक इन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य हैं। इनके अनुसार ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म का अस्तित्व है और संसार मोह माया है। इस वाले में राइटिंग जो है थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब कमियां आपको नजर नहीं आती है, ठीक। तो शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया, दैट इज गुड। फिर ये जो इन्होंने वचन, मतलब जो शब्दों का चयन किया है, ये ऑल्सो अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ जोड़ सकते हैं कि इसका जो आधार है, तो वो आधार क्या है, वेद और उपनिषद बताए गए हैं। तो इस आधार पर 3 नंबर मिल जाते हैं, बट इस कंडीशन में 2 नंबर दिए जा सकता है, ओके। अगला आता है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, डायार्क सिस्टम बंगाल में। चलो देखें बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के बारे में क्या लिखते हैं। इन्होंने लिखा है रॉबर्ट क्लाइव 1765, उद्देश्य राजा को आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य कंपनी के अधीन करना था। राजा को आंतरिक कार्य व बाह्य कार्य कंपनी के अधीन करना था। देखो इनका अगर इंटरप्रिटेशन करें, इन्हें नॉलेज तो है, मगर उस नॉलेज को लिखते समय बस ठीक से और कर देना था कि ये जो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई थी 65 से शुरू हुई थी और 72 तक रही थी, बंगाल का जो नवाब था, तो उसे कह सकते हैं कि प्रशासन संबंधी कार्य नवाब को और जो महत्वपूर्ण वित्त संबंधी जो कार्य थे, रेवेन्यू संबंधी कार्य थे, वो किसके पास आ गए थे, वो कंपनी पे आ गए, यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी ऐसे थी ना। तो दीवानी और निजामत संबंधी ये शब्द जब आप प्रयोग में लाते हैं तब ठीक रहता है। तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, नॉलेज बेस पर 2 नंबर, मगर 3 नंबर का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि 3 मार्कर ही सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप 34 जो लाइव देख रहे हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, देन उसके बाद आगे भी देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन था रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में क्या लिखा है कि शुरुआत 1792 तमिलनाडु के वारा महल से, हेक्टर मुनरो कर्नल रीड किसानों से ही राजस्व एकत्रीकरण विस्तार कुर्ग जिला पूर्वी बंगाल मद्रास असम, यानी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई, राइट। तो अब जब रैयतवाड़ी आप लिखोगे, सबसे पहले एक सधे हुए शब्दों की शुरुआत है, क्या रैयतवाड़ी, रिवेन्यू सिस्टम है ना। तो जो आप यहाँ पर ये लिखते हैं ना कि एक राजस्व प्रणाली, तो इसमें पहली लाइन में लिखो कि ब्रिटिश कालीन राजस्व प्रणाली, यानी भू राजस्व प्रणाली। इसके बाद आपका ईयर आ जाएगा 1792, किसने शुरू की थी, तो ये वाला फैक्ट आप एक्स्ट्रा लिखते हैं। मुनरो का नाम आता है, थॉमस मुनरो जो था। और अगर इसमें आप जो ये लिख रहे हैं, दैट इज गुड, परसेंटेज बता सकते हैं कि भारत के इतने भूभाग पर इसको लागू किया गया था, तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इतने सारे फैक्ट हैं, 3 दे सकते हैं, 2 नंबर तो बनते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत कम स्टूडेंट लिख पाता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट की आती है, एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं, राइटिंग अच्छा है बट वो एक लाइन के चक्कर में उनको लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी वॉल्व, यानी कि
सुरक्षा कवच की जो अवधारणा थी, तो लाला लाजपत राय इनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना डबरिन द्वारा भारतीय जनता में व्याप्त असंतोष को दूर करने हेतु कांग्रेस की स्थापना। रिपीटेशन से बचना है, जानकारी सही है तो आप क्या करें, आप पहला पॉइंट बताएं लाला लाजपत राय के द्वारा प्रतिपादित लाला लाजपत राय। तीन पॉइंट लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, क्या कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, कैसे, तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह की पुनरावृत्ति न हो जाए इसलिए इसको रचा। तो आपके पास समय भी बचता है, शब्द भी रह जाते हैं और आपका आंसर पूरा हो जाता है, राइट। यहाँ पर दो नंबर इनको दिए जा सकते हैं, थ्री मार्कर तो कंप्लीट हो जाते हैं। देखो दोस्तों, एक और चीज समझ लो, जो लोग पहली बार मुख्य परीक्षा में अपीयर होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहले जो आपको कॉपी मिलती है, पुरानी कॉपी, अब भी देखो उसमें दिखाया भी गया है, वो कॉपी का फॉर्मेट भी अवेलेबल है। आप चाहें तो कॉपी का फॉर्मेट हमारे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल करेंगे तो हम आपको उसका पीडीएफ भेज देंगे, आप उसका प्रिंटआउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है जिसे हम क्वेश्चन नंबर वन कहते हैं, जिसके आंसर हमें ये 15 क्वेश्चन है, एक से दो लाइन ऐसा देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये कंपलसरी है कि कॉपी के पहले पेज पर इन्हीं के आंसर देने। उसके बाद अगर आप पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, ये उस पेपर के ही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे टाइप किए गए हैं। देखो यहाँ लिखा रहता है कि जो वर्ड लिमिट है उसका पालन करना चाहिए, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा रहता है कि प्रश्नों के उत्तर उसी मीडियम में लिखो जो मीडियम आपने चुना है। फिर ये भी लिखा है कि आप जो क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे उसी ऑर्डर में लिखो जैसे वो आपके सामने आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन पहले आता है तो आप वन लिखें, सेकंड आता है तो सेकंड लिखें। बट कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, उसके बाद भी उनको बेनिफिट मिल जाता है कि क्वेश्चन नंबर वन करने के बाद वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं करना चाहते, वो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चले जाते हैं। तो आप भी ये स्टेप ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड जब आप करोगे, जैसे ये सेकंड आपने पूरा छोड़ दिया और कहाँ पहुंच गए क्वेश्चन नंबर थ्री, तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री में तीन करने होते हैं, तो वो तीनों करो। जब ये तीन कंप्लीट हो जाए देन फिर अब आप क्वेश्चन नंबर टू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप ऑर्डर पालन करें, वन हो जाता है तो सेकेंड के सारे क्वेश्चन 10 करने होते हैं, उसके बाद तीन पे आए। कुछ यदि आपका छूट जाता है तो उस छूटे हुए क्वेश्चन को आप बाद में पेज छोड़ दें और समय रहा तो आप लिख पाएंगे। ज़्यादातर तो समय बचता नहीं है कि जो छूटा हुआ है उसे आप फिर से कर पाए। एनीवे, अब चलते हैं फुल क्वेश्चन जो इन्होंने लिखा है। यहाँ इन्होंने आंसर किया है इस वाले प्रश्न का कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, इनके प्रमुख सिद्धांतों में समानता और असमानता को बताइए। कल की क्लास में हमने ये डिस्कस भी किया था, जैन और बौद्ध, इनमें समानताएं भी बताई थी, असमानताएं भी बताई थी। देखें क्या आंसर ये लिखते हैं। जब फुल क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन 2019 की मुख्य परीक्षा में 15 नंबर का है, आपको 300 शब्दों में यानी तीन पेज में लिखना होता है, तो ये कंपलसरी है कि आप उसका एक अच्छा सा इंट्रो बनाएं और इंट्रो की हेडिंग ना लिखें, सिर्फ शुरुआत कर सकते हैं। तो इनकी शुरुआत देखते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म अपनी अपनी विचारधारा के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों के निदान हुआ नया मार्ग प्रशस्त करने हेतु 6वीं शताब्दी में हुआ। तो ये सेंटेंस ही ब्रेक हो गया, वाक्य रचना अधूरी सी रही कि जैन धर्म बौद्ध धर्म अपनी अपनी विचारधारा के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों के निदान और नया मार्ग प्रशस्त करने 6वीं शताब्दी में हुआ। क्या हुआ भाई, जैन धर्म का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, तो वो चीजें आना चाहिए। तो यहाँ इंट्रो ही अपनी प्रभावशीलता को छोड़ देता है। तो जब आपकी कॉपी आती है तो उस पर नोट लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है कि इंट्रो प्रभावी नहीं, कमी क्या है वो बता देंगे, वाक्य रचना अधूरी, ठीक। तो ये सुधार किए जा सकते हैं, राइट। तो इसमें एक इंट्रो, अब चूंकि यहां मैं आपको मॉडल आंसर तो नहीं बता रहा हूँ, कमियां बता रहा हूँ कि देखो ऐसा क्या रहता है। कुछ इसमें लर्नर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो कहते हैं कि कमी तो कोई भी निकाल देता है, मॉडल आंसर प्रोवाइड करें। बिल्कुल हम मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करते हैं, बट उसके लिए अलग फीस रहता है, तो वो पे करके, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, तो वो आप उसका आनंद उठा सकते हैं।
आगे लिखा है इन्होंने जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। इसका एक इंट्रो ऐसा बनाया जा सकता था कि वैदिक धर्म में कर्मकांड के हावी होने के कारण अनेक बुराइयां, अनेक कृतियों का प्रवेश हो गया था। उसके खिलाफ गंगा यमुना के द्वार में एक धार्मिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था। तो वहां से आप पूरा का पूरा रेफरेंस ले सकते हैं। अब ये क्या लिखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बता दिए, उदय के कारण क्या थे, मैंने कल के लेक्चर में भी आपको लिखाया था, उदय के कारण बताए थे। तो उन्होंने लिखा है कि उदय के कारण समाज में व्याप्त कुरूतियों है ना, अब ये कुरूतियों व रूढ़िवादिता के कारण, तो समाज में व्याप्त कुरूतियां, रूढ़िवादिता मतलब रूढ़िवादिता, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जड़वत हो जाना, उसकी बात करते हैं। महिलाओं और शूद्रों की दशा निम्नतर, ब्राह्मणवाद का बढ़ता प्रभाव। तो ये जो कारण है कुछ सही है और कुछ कम है, सिर्फ तीन नहीं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। एक तो इसमें प्रभाव ये रहता है कि वैदिक धर्म की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी, और संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, कठिन थी। दूसरी तरफ क्या होता है, वेद उपनिषद इनकी भी लैंग्वेज काफी क्लिष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। धार्मिक कर्मकांड बढ़ जाते हैं, ठीक, धार्मिक कर्मकांड बढ़ने के साथ साथ चूंकि समाज में इन लोगों को ये संरक्षण, तो दो पॉइंट और जोड़ करके आप उसे और अच्छा बना सकते। तो यहाँ पर क्या टिप्पणी लिखना चाहिए, कारणों का और विस्तार करें, यानी सुधार किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट था ना, समानता क्या है दोनों धर्मों में। इन्होंने समानता, इन दोनों धर्मों का उदय ही छठवीं शताब्दी में हुआ, तो छठवीं शताब्दी में हुआ, बस यहीं पे गलती होगी, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, वो इतने माइनर सी मिस्टेक को तुरंत पकड़ के गोला बना करके काट देते हैं, मतलब इस पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं रहा। तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये, फिर इनकी अपनी एक विचारधारा थी, इनकी अपनी एक विचारधारा थी, ये क्या समानता पर, या तो आप ऐसा बोलें कि इनके जो ये वाला विचार, जैसे अहिंसा पर जोर देते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो दूसरा पॉइंट भी बाउंस कर गया, मतलब इसका भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। यानी वैल्यूअर के माइंड में अब क्या आ रहा है, अब नेगेटिविटी क्रिएट होती जा रही है, आपने स्वयं ये नेगेटिविटी उसके मन में बिठा रखी है। दोनों को ही राजकीय संरक्षण मिला, जैसे बौद्ध धर्म को अशोक द्वारा, जैन धर्म को चंद्रगुप्त द्वारा, ठीक। एक पॉइंट तो ये समझ में आता है, प्रमुख जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध की विचारधारा ने लोगों को प्रभावित किया, तो ये हर धर्म को जो भी उसमें उसके प्रवर्तक होते हैं उनको लोग फॉलोअर तो करते हैं, तो ये एक जबरदस्ती का समानता वाला पॉइंट है जो कि ठीक है, राइट। फिर इन्होंने लिखा है कि दोनों धर्मों ने धार्मिक कर्मकांडों और पाखंडों का विरोध किया, ये अच्छा पॉइंट है, इसको ऊपर लाना चाहिए, जो आपके अच्छे पॉइंट है उनको नीचे। दोनों धर्म काफी समानता रखते हैं, इनमें कुछ अंतर भी पाया जाता है, तो अगर सही पॉइंट इसमें खोजे गए तो दो मिले, तीन दो मिले बस। तो दोनों धर्मों में समानता था कि दोनों ही, दोनों का उदय वैदिक, या दोनों ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, दोनों वेदों के अस्तित्व को नकारते हैं, दोनों कर्मकांडों को नकारते हैं, दोनों ही ये कहते हैं कि संसार प्राकृतिक नियमों पर पालन करता है, दोनों ने कर्म की महत्व को फोकस किया है, दोनों ने पुनर्जन्म को माना हुआ है। तो दीज ऑल आर पॉइंट्स कैन बी यूज इन दिस सेक्शन। अब अंतर, दोनों धर्मों में अंतर क्या है, अच्छा ये जो लिख रहे हैं ना, दोनों धर्म में कुछ अंतर पाया, मैं तो यहाँ बीच में सेंटर हेडिंग डाल देता, ये असमानता है, ऊपर वाले में बीच में सेंटर हेडिंग डाल देते ये समानता है, और नीचे उनको चाहे तो कॉपी के दो भाग करके बनाओ, ऐसा कर सकते। तो इन्होंने लिखा है कि गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया, बल्कि जैन धर्म में अटिसा, अटिसा नहीं है भाई, अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। ये असमानता जो है बड़े दोनों को मिलाए तो ठीक से समझ में नहीं आती। आप ऐसा बोलो कि जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, लेकिन बौद्ध इतना अधिक कठोरता से अहिंसा के पालन की बात नहीं करता, मध्यम मार्ग तो दोनों ही अपनाते हैं,
तो ये पॉइंट एक उतना ज्यादा सटीक नहीं रहा। फिर गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया, बल्कि जैन धर्म में काया कलेश वर्तते, यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। ये रिपीटेशन आप ऐसा बोलें कि अगर अंतिम जो निर्वाण की प्राप्ति है कि जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु के उपरांत प्राप्त होता है, जबकि बौद्ध धर्म में जीवित रहते हुए मिल जाता है, तो वो तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया। अगला है जैन धर्म का झुकाव बौद्ध धर्म की तुलना में ब्राह्मण धर्म की ओर जाता था। तो ये तो दोनों ही विरोध के फलस्वरूप आए थे, तो ये पॉइंट भी कोई इफेक्टिव नहीं रहा। जैन धर्म का विस्तार बौद्ध धर्म की तुलना में कम हुआ। चलो एक बात समझ में आई, एक पॉइंट लगा जिससे लगता है कि हाँ ठीक है, बाकी के अन्य पॉइंट बेकार हो गए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनी विचारधारा व ज्ञान द्वारा संसार को एक नया रास्ता दिखाया, वह बौद्ध व जैन सिद्धांतों का भारतीय और विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये है निष्कर्ष। तो अब यहाँ पर इनके साथ नोट शीट लगाई जाएगी कि इसमें भूमिका प्लस निष्कर्ष औसत से भी कम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, न तो समानता के पॉइंट अच्छे मिले थे और न ही असमानता के पॉइंट मिले थे। तो अब इसमें बचा क्या, तीसरा नेगेटिविटी क्या आ गई कि राइटिंग भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, वाक्य रचना भी है। तो 15 में से अब ऐसी स्थिति में वैल्यूअर बहुत कोशिश करेगा तो 4 नंबर, बहुत कोशिश करेगा तो 4 नंबर देगा। तो ऐसी स्थिति भी क्रिएट हो जाती है। तो इन चीजों से आपको बचना है। तो इस मॉडल आंसर से, इस टेस्ट सीरीज से यही बेनिफिट होते हैं। टेस्ट सीरीज का फायदा तब मिलता है जब आपका कंटेंट रेडी हो। अगर टेस्ट सीरीज का आप ऐसे सोचें कि मैं टेस्ट सीरीज से कंटेंट पढ़ लूंगा, तो वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग में जब वैल्यूएशन होता है तब हमें समझ में आता है कि हम कितने डेप्थ में अब लिखना सीख पाए। दोनों चीजें अलग हैं, क्लास का मीनिंग अलग होता है, टेस्ट का मीनिंग अलग होता है। तो एक ये जो आजकल एक गलत फहमी, खुश फहमी, ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ टेस्ट को ज्वाइन करके और आप अपना तैयारी कर सकते। तैयारी आपकी होना चाहिए, टेस्ट से आपको रिफाइन किया जाता है, आपकी कमियों को हाईलाइट किया जाता है, अगली बार वो दोहराना नहीं चाहिए। एक और देखें फुल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इन्होंने जो लिखा है, प्रश्न है कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, इसके समर्थन में तर्क दीजिए। गुप्त एज इज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गिवन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। चलो शुरू करते हैं, क्या लिखा है गुप्त काल के बारे में, इसमें कितनी कमियां। एक और ध्यान रखना होता है, मुख्य परीक्षा में बहुत से फैक्टर काम करते हैं। जैसे यहां पर जो क्वेश्चन पूछे, 4 में से कोई 3 कर रहा है। पहला दिया था कि पुनर्जागरण धार्मिक आंदोलन यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, दूसरा जैन और बौद्ध के बारे में लिखा था, तीसरा गुप्तकाल के बारे में लिखा है, चौथा लिखा है भारत में प्रमुख जनजातीय नागरिक विद्रोह के कारण समग्र प्रभाव। स्टूडेंट क्या करता है, वो एक तो इस क्वेश्चन को फट उठा लेगा कि ये मैं आंसर इसका दूंगा, दूसरी तरफ वो क्या करेगा, ये गुप्त काल वाला क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, राइट। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको इग्नोर करेगा, इसको नहीं लिखेगा। वो रेनेसा वो तैयार किया जाता है, रेनेसा में भी हालांकि घुमावदार क्वेश्चन है, तो रेनेसा वाले में और लास्ट वाले में, क्योंकि ये सरल नहीं है, एक मनोदशा थी, तो इसको भी छोड़ देगा और लास्ट में चला जाएगा। बस यहीं पर स्टूडेंट ये समझ लो कि अपने सिलेक्शन के लिए कुछ नंबर कम करता जा रहा है। आप छोड़ें तब जब आपके पास बिल्कुल कंटेंट नहीं है। सबसे अच्छा चयन है इसी प्रश्न का करो, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट लिखेगा और इसमें यदि आपके पास मैटर है तो आप इसमें एक अच्छे तरीके से लिख पाते हो। दूसरे को छोड़ दो, ये सब लिखेंगे, हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेगा ही करेगा, हर व्यक्ति की कॉपी में ये मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें नंबर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तब सी और डी, इनमें से चुनाव करना चाहिए, इनका चुनाव करना चाहिए, तो ये भी मैटर करता है। आना चाहिए आपको जब आप उसके बारे में जानते हैं तो। ऐसा नहीं कि हम किसको बड़ा सरल सा मिला और लिख दिया, ये कोई यूनिवर्सिटी या बोर्ड का एग्जाम नहीं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है।
गुप्तकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण अब ये शब्द स्थान के साथ ही वर्तमान में भी अपना प्रभाव स्थापित किए हुए हैं, तो इसको हम भूमिका नहीं बोल सकते ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शुरुआत कर दी है, ऐसे ही लिखने के नाम पर लिख रखा है। गुप्तकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहते हैं, इसके समर्थन में तर्क तो औसत से कम भूमिका हो गई। गुप्तकाल को स्वर्ण काल संज्ञा के निम्न कारणों के कारण दी जाती है। वाक्य रचना अच्छी नहीं, एक लाइन में लिखो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने के निम्न कारण, या इतिहासकारों ने अनेक कारण बताए जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश की है, वास्तुकला के कारण, प्रतापी राजा के कारण, स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला, वास्तुकला, फिर ये साम्राज्य विस्तार, साहित्य, धार्मिक सहिष्णुता, इस प्रकार का डायग्राम आपके लिए अच्छा रहता है, पॉजिटिव माना जाएगा। मतलब इस प्रकार से, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसी तरीके से बनाए, आप बीच में गमला रख सकते हो, उसमें से पत्तियों को निकलता हुआ दिखा सकते हो और वहां पर इन पॉइंट को जोड़ सकते हो। सिंपलेस्ट वे में आप फ्लो चार्ट के द्वारा ऐसे एक एरो, एक कारण यहाँ लिख दो, दूसरा यहाँ लिख दो, तीसरा यहाँ लिख दो। ये तरीका जब आप ये हेडिंग डाल देते हैं, अगर अच्छी हेडिंग है तो वैल्यूअर ये मान लेता है कि आगे उस व्यक्ति ने इसी को ठीक से परिभाषित किया होगा, तो वो कम ध्यान देगा आगे पढ़ने पर। यहीं से उसके मन में साइकोलॉजी क्रिएट हो जाएगी कि हाँ इसने लिखा हो। मूर्तिकला, तो गुप्त काल के बारे में बताते हैं, इसे गोल्डन एरा क्यों कहते हैं। मूर्तिकला, गुप्त काल से ही मूर्तिकला निर्माण को वास्तविक आकार मिला, जबकि कनिष्क के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। फैक्ट अच्छा है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है। मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त कला से ही मानी जाती है, अच्छी बात है, गुड। दूसरा लिखते हैं साम्राज्य, तो साम्राज्य में ये म पर ये नहीं है। गुप्त काल में साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ तथा कई वाह आक्रमण रुद्र सिंह तृतीय को विक्रमादित्य द्वारा पराजित किया गया। अब यहाँ वाक्य रचना अधूरी सी है, तालमेल नहीं बैठ रहा है आपके वाक्यों के साथ, तो उनका वो आप कुछ उदाहरण दो कि जैसे मौर्य काल का पतन हुआ, बीच में कुछ समय के लिए जो छोटे छोटे राज्य थे अब उनको एकजुट करने का काम किया था, तो वो एग्जाम्पल दो। राजाओं के नाम लिखो, जैसे गुप्त काल लिख रहे हो समुद्रगुप्त का नाम लिख सकते हो, इन सबके नाम डालेंगे तो इफेक्टिव होगा, इम्प्रेसिव होगा। साहित्य रचना की दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे विक्रमादित्य द्वारा रचित ऋतु संहार, विक्रमादित्य ऋतु संहार लिख, मालविका अग्निमित्र, ये तो कालिदास, विक्रमादित्य तो राजा की उपाधि थी, तो इन कालिदास की रचनाओं का उल्लेख करो तो ये वाला पॉइंट इफेक्टिव नहीं है। प्रतापी राजा, प्रतापी राजा की जगह ऐसा लिखो शक्तिशाली शासक, योग्य शासक। गुप्त काल में कई प्रतापी राजा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंद, समुद्रगुप्त को इन्होंने लिखा ही नहीं, जो महत्वपूर्ण है वो उसमें, बट ठीक है, ओके, औसत मान लेते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, गुप्त वंश राजकीय का राजकीय धर्म, ये काटा पीटी नहीं होना चाहिए, वो खराब नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कि क्या बच्चों की तरह बार बार लिखते हैं, बार बार काटते हैं, जो लिखें एक बार प्रैक्टिस करो, अच्छा लिखो। राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था, परंतु सभी धर्म को समान आदर भाव दिया। अब ये दिया है कि अल्फा उल्टा करके लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है राइटिंग में। स्कंद गुप्त ने शैव धर्म को अपनाया, पॉइंट है, मगर थोड़ा सा वाक्य और सुधारे सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। वास्तुकला, गुप्त काल में अभी तक भारत की अमूल्य छवि स्थापित की है, मैरोली का स्तंभ, नशना कोटार, कोटार का मंदिर, 10 अवतार मंदिर, तो ऊपर भी मूर्तिकला लिख दिया था, यहाँ पर भी वास्तुकला, तो एक ही जगह पॉइंट को मिला के रखें। गुप्तकाल में कुछ कुरीतियाँ, जैसे प्रश्न में एक बार फिर देखना चाहूँगा कि गुप्तकाल प्राचीन इतिहास का स्वर्णयुग है, इसके समर्थन में तर्क देना, तो अब ये लिखते हैं कुछ कुरीतियाँ, जैसे चंडाल जाति का उदय, शूद्रों की निम्न स्थिति, समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि प्रचलित थी, इसके बावजूद भी गुप्तकाल अपनी उपलब्धियों के कारण इतिहास में स्वर्णयुग की संज्ञा धारण किए हुए है। इस बार निष्कर्ष पुराने क्वेश्चनों की तुलना में बेटर, इनके पुराने लिखे हुए की तुलना में अच्छा, राइट।
और जो पुराने क्वेश्चन थे उसकी तुलना में अंदर जो पॉइंट लिखे हैं उनमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इन्हीं चीज़ों को वाक्य रचना से सुधार करके बिल्कुल इसे गुप्त काल के समर्थन में, यानी स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये पॉइंट बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वैल्यूअर कितने नंबर देगा 15 नंबर में? इंट्रो कोशिश की, कंक्लूजन भी लिखा, कंक्लूजन थोड़ा सा अच्छा लगा, पॉइंट में थोड़ी बहुत कमियों को अगर हम इग्नोर कर गए तो आप उम्मीद करें कि बहुत अच्छे नंबर तो नहीं, 7 नंबर तक दे देगा। और टिप नोट लगा देगा कि भूमिका लिखने की प्रैक्टिस करें, वाक्य रचना में सुधार करें, राइटिंग और इम्प्रूव कर, राइटिंग में सुधार आवश्यक है। तो 2 आज आपने फुल क्वेश्चन देखे, 15 आज आपने 3 नंबर के क्वेश्चन देख लिए, अब बचते हैं 6 मार्कर और 1 क्वेश्चन और, तो वो अब अगली क्लास में उसमें पढ़ेंगे। और रेगुलर जो हमारी क्लास है वो 9 बजे रहती है, आज नहीं हो पाई है, धीरे धीरे उसका टाइम टेबल बना रहे हैं। पूरे 1 महीने का आपके पास शेड्यूल रहेगा कि किस दिन कौन सा लेक्चर रहेगा, उसका PDF कैसे मिलेगा उसके बारे में। तो बस होपफुली आपको इससे अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी एक डायरेक्शन मिलेगी और आप अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे पाओगे, अपनी कमियों को रेक्टिफाइड कर पाओगे और उनको दूर कर पाओगे। बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए, तभी आपको भी फायदा मिलता है और हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कर पाते हैं। थैंक यू, गुड लक।